दादा साहब, फाल्के चित्र नगरी गोरेगांव पूर्व में गेट नंबर 3 पर यह देखो रैयत राज कामगार संगठन के बैनर तले अपने साथियों के संग विभिन्न प्रकार की 18 मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे पूर्व सैनिक श्री सावंत के साथ अब अन्याय हो रहा है। ऐसा सनसनीखेज उन्होंने आरोप स्थानीय व्यवस्थापकीय प्रशासन पर लगाया है। उनका आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना को उन्हें स्थानीय प्रशासन ने अनशन पर बैठने के 3 दिन बाद निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं, उनके कार्यालय का भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच ताला तोड़कर उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया है। आइए, इस संबंध में हम सुनते हैं श्री सावंत का क्या कुछ कहना है। महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमि एवं सांस्कृतिक विकास महामंडल अर्थात दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी ये गोरेगांव पूर्व येथे मैं सुरक्षा अधिकारी इस पद पे आज 15 साल से काम कर रहा हूँ। मैं इसके पहले मिलिट्री में था, मिलिट्री सेवा बजा के पूरा करके के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर मुझे सुरक्षा अधिकारी करके काम दिया गया, वो मैं पूरे अपने सचोटी से और अपना कर्तव्य निष्ठा से पार किया है। उसमें उन्होंने कर्तव्य पार करते हुए अभी उन्होंने कुछ समस्या खड़ी कर दी, जैसे कि मुझे अचानक दालन मेरा केबिन खाली करने के लिए कहा गया, केबिन खाली करने के लिए कहा गया, नहीं तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। उसके बाद में कर्मचारी इधर रहतराज संगठन है, उनकी कर्मचारी की संगठन है, जो सरकारी कर्मचारी उनकी संगठन है, ये संगठन का कुछ पुराने दिनों से कुछ मांगे हैं, वो मांगे पूरी की नहीं जा रही है। बार बार खत लिखने के बाद माननीय MD मैनेजिंग डायरेक्टर और जो प्रशासन के लोग हैं वो लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, ये समस्या दूर हल करने की कोशिश नहीं करते, जानबूझ के समस्या मांग खड़े करने कर देते हैं और कर्मचारियों को हर वक्त परेशानी में डालते हैं। ये प्रशासन और व्यवस्थापन पूरा मुजोर है। मुजोर मतलब ये पूरा इसको यहाँ का ये कहा जा सकता है कि ये हम करो सो कायदा है, हुकुम सही है, तो इसको ये करने के लिए हमने अनशन पे बैठे हैं। अनशन पे मैं खुद सुरक्षा अधिकारी श्री सावंत, मेरे सह मित्र शंकर तुकाराम शिंदे, अनिल काशराम जादव, विजय पुंडलिक कामले, ये चारों लोग दिनांक 5/6/2018 से लेके सुबह 11 बजे से लेके आज 3 दिन तक अनशन पे बैठे हैं, लेकिन कोई पूछने के लिए नहीं आया, कोई समस्या जानने के लिए नहीं आया, कोई पूछताछ नहीं हमें हमारी बिना हम लोग अनशन पे बैठने के कारण हमारी तबीयत दिन में दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन और MD ये इसी केबिन में बैठ के अपनी मौज मस्ती ले रहे हैं। इधर हमारा ये निवेदन हमने उनको सादर किया है, इस निवेदन में हमारे ये पॉइंट है। एक तो पहले ये जो सुरक्षा व्यवस्था है, ये सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। यहाँ पर जो उन्होंने 105 लोग रखे हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए, वो लोग ठीक तरह से काम नहीं करते हैं। और अभी घटना हुई है, लोगों ने दो गुट में मारामारी हुई है, दो गुट में और हाल में भी मारामारी हुई है। बार बार ऐसे अनधिकृत व्यक्ति वाहन अंदर आते हैं, किसका कोई कंट्रोल नहीं है किसी के ऊपर, इसलिए हमने इन लोगों को निकाल के सुरक्षा विभाग में जो रिक्त पद है उसके ऊपर भर्ती किया जाए, वो भी माजी सैनिक की तरफ से सुरक्षा रक्षक करके भर्ती किया जाए। दूसरा हमारा ये था, इधर डिप्टी इंजीनियर चंद्रकांत को लेकर है, वो बिना पूरा पूर्व परवानगी लेके बिना परवानगी लेके पुलिस स्टेशन बनाया, उसके लिए BMC की परमिशन नहीं ली, उसके लिए उसने अग्निशमन नियंत्रण ने किसी परमिशन नहीं ली, लेकिन 1 करोड़ खर्चा करके शासन का खर्चा करके पूरा इमारत खड़ा कर दिया और वो पुलिस स्टेशन बनने के बाद महानगर पालिका ने उनको तकरार मिलने के बाद आंखें तोड़ डाली, पूरा 1 कोटी का शासन का नुकसान हो गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, चंद्रकांत कोलेकर को सादा मेमो ही नहीं, चंद्रकांत कोलेकर को 1 कोटि की उसके जो रकम है उसके पगार से या उसके हिस्से वसूल किए जानी चाहिए। उसके बाद में
हमारा तीसरा ये है कि उपेंद्र चंद्रकांत को लेकर ये बार बार भ्रष्टाचार करते आए हैं। 15-16 कोटी का उन्होंने 5-5 लाख में काम बंटवा कर ये सोसाइटी के तरफ से करवाया, कोई टेंडर नहीं निकलवाया है। उनकी 2 साल की इधर प्रतिनियुक्ति हुई थी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से, लेकिन उसके बाद में उनको फिर से 5-6 साल हो गए, अभी उनकी यहाँ से बदली की नहीं गई है। उनको यहाँ पर फिल्म सिटी में भ्रष्टाचार करने के लिए बारंबार उनको परमिशन दी जाती है। उनको हटाने के लिए हमने यहाँ पर तो ये निवेदन दिया है। इस तरह से कुल कितनी मांगे किया है आपने? इस तरह से हमने कुल 18 मांगे की है।